पता नहीं कितने लोगों के मुंह से कुछ सुनने को मिलता है कई बार कि माननीय जी कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए सोचते नहीं भाइयों कि वो है किसके लिए, आखिर अगला कर किसके लिए रहा है। हम 2 सेकंड लगाते हैं अपने मुंह से बात बोलने में, लेकिन जो इस काम के लिए हमारे लिए जो मेहनत कर रहा है दिन रात एक कर रहा है, उस प्रयास को हम लोग बस इतना ही कह करके उसको अनदेखा कर देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे बैनर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। दोस्तों एक ये तो नाम है लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य बनता है क्योंकि ये पार्टी बनी ही हमारे लिए है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जितना प्रयास करते हैं किसके लिए, उनके पास किस चीज की कमी है? जहां तक मेरा विचार है, मेरा अपना सोच है, मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, चलो हमारी इतनी ज्यादा नजदीकियां नहीं है लेकिन हम देखते हैं इस चीज को कि जो उनका सोच है, उनका अभाव है, उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो मेहनत है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लुधियाना पंजाब की बैठक संपन्न हुई। आइए जानते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पंजाब लुधियाना के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश राजभर जी ने क्या कहा। हम यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी भाई यहाँ पे अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं, तहे दिल से अपने सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं। साथियों थोड़ा सा कसर रह गया इस प्रोग्राम में, जो थोड़े से कुछ भाई हमारे नीचे बैठे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। देखो इसी को कहते हैं साथ। आज मजा आ रहा है देख करके कि हम लोग इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा जो हुए हैं, कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों ने साबित कर दिया है, आप लोगों ने भी साथ दिया है कि हाँ हम साथ चल सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं। आज भी हम एक हैं, ना जाने कितनी बातें आती हैं सब सुनने में कि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, हम अलग अलग हैं, हम इधर उधर हैं, भटक जाते हैं कई बार, लेकिन जब ऐसे समय आता है तो जब हम आप इकट्ठा होकर के यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो लगता है नहीं यार हम लोग एक हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा काम है ऐसा कि जिसमें हम लोग उतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो अब हम लोगों को एक साथ ही चलना है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे बैनर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, दोस्तों एक ये तो नाम है लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य बनता है क्योंकि ये पार्टी बनी ही हमारे लिए है। इससे साबित होता है, कह देने से नहीं। आप देखे होंगे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जितना प्रयास करते हैं किसके लिए, उनके पास किस चीज की कमी है? जहां तक मेरा विचार है, मेरा अपना सोच है, मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, चलो हमारी इतनी ज्यादा नजदीकियां नहीं है लेकिन हम देखते हैं इस चीज को कि जो उनका सोच है, उनका अभाव है, उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो मेहनत है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ही है। जो मैंने बोला अभी कि उनको किसी चीज की कमी नहीं है, एसटी के लिए लड़ाई किया उन्होंने, पता नहीं कितने लोगों के मुंह से कुछ सुनने को मिलता है कई बार कि माननीय जी कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए सोचते नहीं भाइयों कि वो है किसके लिए, आखिर अगला कर किसके लिए रहा है। हम 2 सेकंड लगाते हैं अपने मुंह से बात बोलने में, लेकिन जो इस काम के लिए हमारे लिए जो मेहनत कर रहा है दिन रात एक कर रहा है, उस प्रयास को हम लोग बस इतना ही कह करके उसको अनदेखा कर देते हैं। तो मेरे भाइयों अब हम लोगों को जरूरत है, भाई साहब ने याद किया है, तो एक साथ हम लोग चलेंगे एकजुट होकर के। कितने लोग हो सकता है, देखो सदस्यता बड़ी बात नहीं होती है, हम लोग यहाँ पे अगर एकजुट होकर के चलेंगे तो आने वाले कल में यहाँ भी हमने एक झंडा गाड़ना है, यहाँ भी हम एक होकर के दिखाएंगे, यहाँ भी वो काम करके दिखाएंगे जो वहां पे हुआ है। तो साथियों समय का अभाव है, थोड़ा सा
समय हो गया है, मुझे लगता है 3:30 बजे तक का ही हमारे पास समय भी था, तो अभी भी बचा ही है। बट आगे हम यही चाहेंगे आप लोगों से मिलजुल करके, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके हम चलेंगे, तो आज नहीं तो कल हम जरूर यहाँ भी लुधियाना की पावन धरती पे एक इतिहास बनाएंगे कि हाँ भाई हम एक हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा ना कुछ कर गए, देखो यहाँ पे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मुझे लगता है कि हमें अभी जानते भी नहीं होंगे, तो परिचय तो हमें शायद पहले दे देना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में बताना चाहूंगा। मैं रितेश कुमार राजभर, ग्राम सभा नटौली सहागंज जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, और इधर हम कैलाश नगर में रहते हैं, हमारी फैक्ट्री है, टी शर्ट स्वेट शर्ट पैंट वगैरह सब कुछ बनता है वहां पे। कभी भी किसी भी समय आपको जब भी अगर ऐसा लगे कि हमें भाई की जरूरत है, एनी टाइम 24 घंटा में घड़ी के किसी भी सुई में कभी भी आप मुझे याद कर सकते हैं, भाइयों आपके आधे घंटे के अंदर अंदर आपके पास नजर आए, चाहे वो योगदान कैसा भी हो सकता है हम उस योग्य ना हो, लेकिन ये शरीर जरूर लेकर के उपस्थित रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, लुधियाना के किसी भी कोने में, या फिर अगर आप पंजाब स्टेट के लेवल पे आ जाइए, कभी भी कहीं भी याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। आपका छोटा भाई होने के नाते ये मैं आपसे प्रण और वादा करता हूं कि जरूर निभाऊंगा इसी निवाड़ियों के साथ। मैं अब आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं भैया कि आप लोग आए हैं, चलो अब तो हमारे अपने परिचय भी हो गया, आने वाले कल में हम मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।